जय भीम साथियों, मैं चंद्रशेखर आजाद आज फिर लाइव हूं आप लोगों के बीच। भीम आर्मी भारत एकता मिशन की तरफ से उनका भीम आर्मी भारत एकता मिशन का संस्थापक होने के नाते रैलियां चल रही है लगातार। रैलियां क्यों चल रही है मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। लोग कह रहे हैं रैलियां क्यों हो रही है और रैलियों का फायदा नुकसान क्या, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहली रैली की थी हमने ग्वालियर में, जो मध्य प्रदेश में हमारी पहली रैली थी। वो रैली थी बहुजन समाज बनाओ रैली, जिसमें जिसका पहला जो वो जाता है, जो संघर्ष हुआ, जो रैली हुई, जिसकी जो एक तरह से समझे कि उसका जो सरह जाता है वो जाता है ओबीसी समाज को, जिन्होंने वो रैली कराई थी। बहुत मजबूती से ओबीसी समाज ने वो रैली कराई, बहुत भारी संख्या में ओबीसी समाज उस समय मौजूद था। अब ये रैलियां हो रही है तो इसमें मैंने जैसे बताया कि पहली रैली जो मध्य प्रदेश की थी उसमें ओबीसी समाज की बड़ी भागीदारी थी, उन्होंने ही सारी तैयारी करके वो रैली कराई थी। तो उनका जो एक भीम आर्मी के प्रति जो उनका एक बढ़ रहा है, वो प्रेम बढ़ रहा है, एक विश्वास जो बढ़ रहा है, तो उससे हमें और बल मिल रहा है। उसके बाद तो पहली जो ग्वालियर की रैली हुई उसके लिए ओबीसी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, भीम आर्मी की टीम का वहां बहुत बहुत धन्यवाद। फिर रैली हुई बिजनौर में, तो बिजनौर में भी ओबीसी भाइयों ने बहुत बड़ा रोल अदा किया, जिसमें ओबीसी भाई जो हमारे गुजर समाज के लोग हैं, जाट समाज के लोग हैं, जो हमारे कश्यप समाज के लोग हैं, पाल समाज के लोग हैं, जो हमारे सैनी समाज के लोग हैं, मतलब जितना भी ओबीसी भाईचारा है सबका बड़ा सहयोग रहा। मुस्लिम भाइयों का बड़ा सहयोग रहा, आपने देखा बहुसंख्यक रूप से मुस्लिम भाई वहां साथ थे हमारे। तो उस रैली के लिए भी वहां की जो बिजनौर की भीम आर्मी की टीम है या और जो जो भी लोग वहां पहुंचे थे, जिन लोगों ने प्रोग्राम को सफल बनाने में काम किया, उनका बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं उनके लिए और बहुत बहुत मुबारकबाद उनको। तीसरी रैली हुई पटना में, और पटना में रैली थी पूरे देश की निगाह थी पटना में भीम आर्मी क्या स्थिति है, भीम आर्मी काम कर रही है नहीं कर रही है। तो पटना की रैली भी खुद में एक ऐतिहासिक रैली थी, पूरे देश ने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से कि लाखों की संख्या में युवा जो है और बुजुर्ग और बहने माताएं वहां सुनने के लिए भीम आर्मी प्रमुख को आई। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है। इन रैलियों का क्या सूत्र है, ये रैलियां क्यों हो रही है, ये भी मैं आप लोगों को बताता हूं। ये जो रैली हुई है पटना की, मुझे इसलिए आपके बीच ऑनलाइन आना पड़ा, लाइव आना पड़ा अपनी बात रखने के लिए। देश के जो प्रमुख अखबार हैं, पटना की रैली पे उन्होंने ब्लैकआउट किया बिल्कुल एक लाइन की खबर भी। मैं पटना में था अगले दिन, 21 तारीख की रैली थी, 22 तारीख को मैं था। देश के जो प्रमुख अखबार है सब ने, प्रिंट मीडिया ने उसका ब्लैकआउट किया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने पूर्ण रूप से ब्लैकआउट किया। ये वो देश है जहां 200-200 लोग रैली करते हैं, उनको लाइव दिखाया जाता है, लाखों लोगों की रैली होती है, एक अखबार एक लाइन नहीं लिखता है। जिस तरह से मीडिया लोकतंत्र में जनता की के आवाज का गला दबाने का काम कर रहे हैं, घोटने का काम कर रहे हैं, इससे स्पष्ट होता है कि मीडिया भी जो है कुछ लोगों के इशारों पर काम करता है। उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें लगता है ये जरूरी है तो उसको दिखवाते हैं, उन्हें लगता है ये जरूरी नहीं तो नहीं दिखवाते। और ये वो लोग हैं जिन्हें भीम आर्मी से खतरा है, जिन्हें भीम आर्मी की बढ़ती ताकत से खतरा है, जिन्हें भीम आर्मी की आवाज से खतरा है, भीम आर्मी जो मूवमेंट चला जिन्हें उनसे खतरा है, ये वो लोग हैं जो भीम आर्मी की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। तो ये लोकतंत्र का हनन है। इससे क्या है कि लोगों का लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया से भरोसा उठ जाएगा। भाई जब आप हमारी बातों को, हमारी रैलियों को, हमारे मुद्दों को नहीं दिखाओगे तो इससे तो हमारा भरोसा उठ जाएगा, फिर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किस लिए। मैं समझ सकता हूं कि गवर्नमेंट का प्रेशर है आप लोगों के ऊपर, गवर्नमेंट ने दबाव दिया हुआ है, आप सच्ची खबरें दिखाते हैं, आप जो होता है वो दिखाते हैं, तो आपके ऊपर ईडी के, इनकम टैक्स के, सीबीआई के छापे लगवा देते हैं, आप एग्जोसिट इमरजेंसी में है। लेकिन इतना भी ना हो कि लोगों का विश्वास ही आपसे उठ जाए। तो ये बहुत जरूरी मुद्दा था। और मैं ये भी बता दूं आप लोगों को, जिन लोगों ने कराया है उनको मैं बता दूं, आर्किमिडीज का सिद्धांत है विज्ञान में, जिस चीज को दबाया जाता है, बल लगा के दबाया जाता है, वो चार गुना ताकत से ऊपर आती है निकल के। यानी कि जितना किस चीज को दबाने का प्रयास करोगे वो उतनी ही ताकत से ऊपर निकल के आएगी। तो तुम पूरा प्रयास करो रोकने का, पूरा प्रयास करो हमारी रैलियों को छिपाने का, तुम पूरा प्रयास करो हमारी बात को दबाने का। भीम आर्मी रैली करेगी, पूरे देश में करेगी, कोने कोने तक जाएगी, घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने का काम करेगी और प्रयास करेगी बहुजन समाज एकजुट हो जाए, बहुजन समाज पूरा एक माला में फिर हो जाए, जिससे कि बहुजनों की ताकत का एहसास जो है हो सके
ये 85% लोग जो देश चला सकते हैं, जो देश की सबसे बड़ी ताकत है जनसंख्या में भी, जो देश के लिए काम करते हैं, जिसमें देश के लिए बलिदान दिया, कुर्बानियां दी है, उनकी अस्मिता का सवाल है, उनके वजूद का सवाल है अभी, तो उनको जागरूक करने की जिम्मेदारी मुझे मिली है, मैं उसको करने का काम कर रहा हूं। ये बहुजन समाज बनाओ रैलियां हो क्यों रही है? देखिए, बाबा साहब ने कॉमनल अवार्ड प्राप्त किया, वो चाहते थे पृथक निर्वाचन मिले उन्हें, उनके समाज को दो वोट का अधिकार मिले, लेकिन कुछ लोगों ने साजिश के थ्रू वो छीन लिया, उनका सपना पूरा नहीं हो पाया। और अभी क्या हो रहा है, अब देखिए रिजर्व सीटों पे वो लोग जाते हैं जिन्हें दूसरे लोग बना के भेजते हैं, जिन्हें दूसरे लोग बल देते हैं, जो दूसरे लोगों की बात मानते हैं, उसमें गुलामी करते हैं, वो लोग जो है रिजर्व सीटों पर जाते हैं चुन के। तो ऐसे में हमारा वास्तविक प्रतिनिधि कैसे जाएगा वहां? बाबा साहब ने कहा, बाबा साहब पॉलिटिकल रिजर्वेशन के विरोधी हुए, उन्होंने कहा कि रिप्रेजेंटेशन से, आरक्षण से हमें प्रतिनिधित्व मिल रहा है, हमारा व्यक्तित्व वहां जा रहा है, लोकसभा में, विधानसभा में भी, लेकिन वास्तविक प्रतिनिधि नहीं जा रहा है जो स्पष्ट रूप से बिना किसी डर भाव के इनकी बात कह सके, जो इनके मुद्दों पर चर्चा करा सके, जो इनकी वास्तविक स्थिति वहां दिखा सके। तो इसलिए अगर बहुजन समाज एकजुट हो जाएगा, वो समझ जाएगा कि कौन व्यक्ति इनका हितैषी है, कौन व्यक्ति इनकी बात करता है, कौन व्यक्ति इनके लिए लड़ेगा, तो बहुजन समाज के वास्तविक प्रतिनिधि जो है वो लोकसभा में और विधानसभा में जाने का काम करेंगे, जिससे कि हमें बल मिलेगा, हमारी बात जो आज नहीं रखी जा रही वो सदन में उठेगी, उन पर काम होगा, जो वास्तविक स्थितियां हैं उनको लोग जानेंगे। आप एक चीज महसूस कीजिए, जो व्यक्ति मिशन में ही नहीं है, जिसे जानकारी नहीं है, जिसे कोई ज्ञान ही नहीं है, वो क्या, जिसे हमारी वास्तविक स्थिति का पता ही नहीं है, जिसने कभी जो कभी जमीन पे ना सोया हो, जो एक टाइम भूखा ना रहा हो, जिसने अपमान ना सहा हो, जिसने उत्पीड़न के बाद जिसकी रिपोर्ट ना लिखी गई हो, जिसे खुद उत्पीड़न होते हैं, जिसका उत्पीड़न हुआ उसको खुद पीटा गया, उसको बंद किया गया, उसको जेल भेजा गया हो, उनके घर जलाया गया, जिसने सब देखा ही नहीं, वो हमारा इतिहास कैसे हो सकता है, उसको क्या एहसास पीड़ा का, वो क्या करेगा हमारे लिए? तो इसलिए मैं चाहता हूं बहुजनों के वास्तविक प्रतिनिधि, चाहे वो पिछड़ी जाति के लोग हों, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे अल्पसंख्यक समाज में किसी कम्युनिटी के लोग हों, वो लोग जाए और उस समाज के लिए काम करें, क्योंकि मैं चाहता हूं राजनीति भी जो है ना वो समाज के लिए हो। अभी जो राजनीति हो रही है वो समाज से हो रही है, तो मैं चाहता हूं राजनीति का स्वरूप बदले। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन हमारी कुछ इच्छाएं तो हैं, हम अपनी इच्छाएं अपने लोगों के सामने रख सकते हैं, तो एक ही प्लेटफॉर्म रखने का सोशल मीडिया। मैंने बताया लाखों लोगों की रैली को ब्लैकआउट कर दिया। आप देखिए 22 तारीख के अखबार देखिए, पटना के, बिहार के अखबार देखिए, राजधानी से हम लोगों ने रैली की थी, लाखों लोग थे रैली में, सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा हुआ है, और उन्होंने एक लाइन भी नहीं लिखी। दूसरा, कुछ लोग मुझसे सवाल करते हैं, बहुत अच्छी बात है, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो राम राम करके मुझसे सवाल करते हैं। आप मुझे बताएं, जो लोग राम राम करके मुझसे सवाल पूछ रहे हैं वो कैटराइज लोग हैं, वो मिशन के लोग हैं, उनको मैं क्या जवाब दूं? और अगर सवाल पूछ के सिर्फ मेरी चीजों को मुझे यही गलत ही साबित करना है, तो मैं कह रहा हूं आप काम कीजिए ना मुझसे ज्यादा आके, आप आइए बहुजन मिशन में काम कीजिए, आप काम करोगे, आप अच्छा काम करो, लोग आपको सम्मान देंगे। जो लोग ये कह रहे हैं कि भीम आर्मी कुछ लोगों की टोली है, मैंने बता दूं भीम आर्मी पूरे देश में काम कर रही है। आप लोगों ने देखा होगा पटना में लाखों लोगों कर रहे थे, वो नौसिखे लोग नहीं है, वो बेवकूफ लोग नहीं है। इस समाज को जो लोग कह रहे हैं नालायक है, कुछ लोग लिखते हैं अपनी पोस्टों में कि नालायक समाज है, ये बुद्धिहीन समाज है, तो मैं बता दूं चंद्रशेखर को जो लोग फॉलो कर रहे थे जो रैली में आए थे, वो लाखों लोग बुद्धिहीन नहीं है, वो जागरूक लोग हैं और वो अपना अच्छा बुरा जानते हैं, और वो अच्छा बुरा जानते हैं तभी आपके इतने आरोपों के बाद भी वहां से सुनने के लिए समर्थन करते हैं। तो मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूं, मगर मैं आपको एक रास्ता दिखाता हूं, जो मुझसे अच्छा काम कर सकता हूं, या भीम आर्मी के एक कार्यकर्ता अच्छा काम करता हूं, वो आए काम करे और आगे निकल के आगे अपने आपको प्रूव करे कि हम भीम आर्मी से अच्छा काम कर सकते हैं, हम भी उनका समर्थन करेंगे। लेकिन मेरी टांग खींचने से अच्छा अगर आप इतना काम करो, तो मेरे हिसाब से जो काम हम लोग कर रहे हैं बहुजन समाज बनाओ का, बहुजन समाज को जागरूक करने का, जो क्योंकि वो गुमराह ना हो, तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप जाइए लोगों के बीच जाकर काम कीजिए, आप बहुत जरूरत है, वजूद की लड़ाई लड़ी जा रही है, को संविधान की बचाव की लड़ाई लड़ी जा रही है। तो ऐसे में, और ये इसलिए भी है, मैं इस पर अपनी एक बात रखूं शायरी के माध्यम से, ये इसलिए है कि लोग नहीं समझ पा रहे हैं, लोग सिर्फ विरोध करने के, लोग नाम की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिन लोगों को सामाजिक लड़ाई लड़नी है वो नाम की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? क्या तो व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहे हैं? भीम आर्मी तो भीम आर्मी की लड़ाई लड़ रही है, जो बाबा साहब का दिखाया सपना उसकी लड़ाई लड़ रही है, साहब काशीराम के दिखाए रास्ते पर चल रही है। तो जो लोग ये कह रहे हैं हमारा नाम नहीं हुआ, हमें ये हमने वो किया था, तो भैया जो लोग नाम की लड़ाई लड़ रहे हैं तो इसका मतलब वो तो मिशन के वैसे भी नहीं है। तो उन लोगों की सोच को देखिए, एक ये एक ग्रुप ये बहुत बढ़ रहा है जिनको तकलीफ हो रही है भीम आर्मी से, क्योंकि भीम आर्मी का कद बढ़ रहा है, और जैसे जैसे भीम आर्मी बढ़ेगी ऐसे ऐसे विरोधी भी बढ़ेंगे।
लेकिन जहां लाखों करोड़ों समर्थक हैं तो ऐसे विरोधी की तरफ देखने का मतलब ही नहीं बनता है। रही दूसरी बात, मैं क्यों लोगों को जागरूक कर रहा हूं, अभी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा कि हम 50 साल सत्ता में रहने वाले, कोई आदमी लोकतंत्र में ऐसी बात कैसे कह सकता है? अब सोचिए जरा, ऐसा क्या है उनके पास कि वो 50 साल सत्ता में रहने वाले? लोग तो उन्हें वोट नहीं दे रहे, उन्हें तो दलित पिछड़ा मुस्लिम के अलावा अल्पसंख्यकों के अलावा उनको तो स्वर्ण जाति के लोग भी जनरल कास्ट के वोट लोग भी वोट नहीं दे रहे, वो भी उनका विरोध कर रहे हैं, तो उन्हें वोट कौन दे रहा है? तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि लड़ाई क्या है। मेन लड़ाई है कि किसी तरह से भाजपा को सत्ता से रोकना है, और भाजपा को सत्ता से रोकने के लिए अमित शाह जी का बयान मुझे महसूस कर रहा था, क्योंकि मैं जागरूक वोटर भी हूं और भारत का जागरूक नागरिक भी हूं, तो उनका वो जो है वो महसूस कर रहा था हमें कि भैया कुछ चोरी चल रही है, कहीं ना कहीं कुछ सेटिंग हो रही है। तो इसलिए मेरा मैंने बार बार मैं कह रहा हूं कि ईवीएम का विरोध कीजिए, ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, आप डिमांड रखिए, क्योंकि आप वोटर हैं, आपको वोट देना है, आपसे लोगों से सरकारें बनती है, लोगों का ध्येय है, लोगों का समर्पण है, वोट देने में वोट सबसे बड़ी ताकत है। बाबा साहब और साहब काशीराम भी इसकी सुरक्षा के लिए कह के गए हैं, साहब काशीराम ने तो कहा कि बहु बेटों की इज्जत की सुरक्षा कीजिए, तो आप अपनी वोट को इस तरह गलत इस्तेमाल नहीं होने दे सकते, उसकी चोरी नहीं होने दे सकते, उसको लूटने दे सकते हैं, तो ईवीएम का विरोध कीजिए जैसे हम लोग कर रहे हैं। और इसीलिए गंभीर मुद्दा यह है कि अगर भाजपा ने तैयारी की तो आपकी तैयारी क्या है? इसलिए बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए रैलियां हो रही है। एक शायरी मैं पढ़ूंगा उन लोगों के लिए जो मेरा विरोध करते हैं, लेकिन वो है मेरे अपने लोग, मेरे समाज के लोग हैं, बहुजन मूवमेंट के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के मिशनरी तो मैं नहीं कहूंगा आज, लेकिन मिशनरी भी हैं, कुछ रास्ता भटक गए हैं, मेरा विरोध किससे नहीं है। जिंदगी में ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जंग हो अपनों से तो फिर हार जाना चाहिए, जिंदगी में ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जंग हो अपनों से तो फिर हार जाना चाहिए। मेरी लड़ाई आप लोगों से नहीं है, मेरी लड़ाई तो उस व्यवस्था से है, मेरी लड़ाई किसी जाति से नहीं है, किसी धर्म से नहीं, मेरी लड़ाई है उन लोगों से, उस मनवादियों से जो इस तरह की सोच यहां वो करते हैं, जो समता समानता मानवता बंधुत्व भाईचारा प्रेम के खिलाफ है, जो भारत के संविधान को नहीं मानते उनके खिलाफ मेरी लड़ाई किसी जाति से नहीं है। और जो लोग हमारे अधिकारों का विरोध करते हैं, ऐसे स्टेट का विरोध करते हैं जो सुरक्षा कवच में मिला है, जो हमारे आरक्षण रिप्रेजेंटेशन का जो भागीदारी है देश में हमारी उसका विरोध करते हैं। रणवीर सेना ने, मैं गया था बिहार, मैंने कहा भी है, एक महिला को इसलिए नंगा करके घुमाया गया, वो हमारी बहन है, समाज की बेटी है, कि उसके देवर ने अंतरजातीय विवाह किया था, और लोग कहते हैं कि क्या जरूरत है यहाँ SST एक्ट की। तो जनाब, जहां अंतरजातीय विवाह करने पे दोषी के परिवार के लोगों को नंगा घुमाया जाए, वो देश कहाँ है? बात करते हैं अमेरिका से मुकाबला करने की, बात करते हैं चाइना से मुकाबला करने की, एक बार अपने गिरवान में झांक के देखिए कि आप लोग हैं कहाँ। रणवीर सेना ने 21 लोगों का बच्चे भी थे जिसमें सामूहिक हत्या की थी, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन से उनको बरी कर दिया गया। आप ये बताइए, अगर रणवीर सेना ने हत्या नहीं की थी तो वो हत्या किसने की थी? किसने मारा दलितों को, आप बताएं मुझे। ये सवाल मेरा है कि अगर रणवीर सेना ने मारा तो मारा किसने? कौन सा सुशासन, कौन सी पुलिस, कौन सी रिपोर्ट? CBI पे आरोप लग रहे हैं, CBI के खिलाफ आवाज उठ रही है, लोकल पुलिस पे मैं भरोसा करूं कोई न्याय देंगे? देखिए, अस्पष्ट है, इसलिए मैंने जुडिशी में आरक्षण की मांग की। हमें जुडिशी में आरक्षण चाहिए, तभी हमारा व्यक्ति जब वहां होगा तभी हमारे साथ न्याय होगा। मैं चाहता हूं, मेरी खुद की इच्छा है, भीम आर्मी की इच्छा है, साहब काशीराम की इच्छा थी, बाबा साहब की इच्छा थी, कि सरकार जो है लोकतंत्र में सरकार मजबूर होनी चाहिए, लोकतंत्र में सरकार में सब लोग हिस्सेदारी होनी चाहिए। मजबूर सरकार होगी तो कोई तानाशाही हो पाएगा, मोदी जी की तरह, योगी जी की तरह कोई तानाशाही होगा, जिसका मर्जी इनकाउंटर कराइए, मुसलमानों को मारिए, OBC समाज को मारिए, दलितों को मारिए, जाति के नाम पे मारिए, धर्म के नाम पे मारिए, गाय के नाम पे मारिए। तो लोकतंत्र में अगर सरकार मजबूर होगी, यानी कि बहुत सारे लोगों से मिलकर बनी होगी, तो सरकार तानाशाही होगी। और क्योंकि मुझे पता है कि 2019 में जब उनकी तैयारी इतनी बड़ी है, वो कह रहे हैं कि 50 साल सत्ता में रहेंगे, तो उनको रोकने के लिए बहुजन समाज का एक सामाजिक गठजोड़ होना चाहिए, और जो बहुजन राजनीतिक दल है उनका भी एक गठजोड़ होना चाहिए, जिससे कि हम इन्हें रोक पाए। मैं कभी BSP के खिलाफ नहीं हूं, मैं हमेशा BSP के साथ था, साथ हूं, साथ रहूंगा, लेकिन मेरा प्रयास है कि किसी भी सूरत में कोई ऐसी गलती ना हो जिससे हम लोग अपने वजूद की लड़ाई हार जाए। संविधान की सुरक्षा के लिए हमें इन लोगों को एकजुट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मतलब व्यक्तिगत मतलब नहीं है, हमारी निजी महत्वाकांक्षा नहीं है, हमारी महत्वाकांक्षा है कि हमारा समाज सुरक्षित रहे, संविधान सुरक्षित रहे, जिससे हमारा वजूद। एक गलतफहमी और फैलाई जा रही है कि भीम आर्मी जो है चुनाव लड़ रही है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में,
बसपा को नुकसान पहुंचा रही है। जनाब पहले तो भीम आर्मी राजनीतिक दल नहीं है, सामाजिक संगठन है। भीम आर्मी सामाजिक संगठन है, भीम आर्मी कोई चुनाव नहीं लड़ रही, क्योंकि भीम आर्मी ने कुछ राजनीतिक गतिविधियां देखते भीम आर्मी की जो कमेटी थी राजस्थान की उसको भंग कर दिया गया था, और मध्य प्रदेश कमेटी को भंग कर दिया गया था, क्योंकि हम राजनीतिक लोग नहीं है, चुनावी कीड़े नहीं है जो चुनाव में आते हैं, सामाजिक लोग हैं, समाज के लिए कुर्बानियां देने को पहले भी तैयार थे, अब भी तैयार। तो इसलिए मैं घोषणा भी कर दूं, जानकारी भी दे दूं कि भीम आर्मी कोई चुनाव नहीं लड़ रही है, ना राजस्थान में ना मध्य प्रदेश में। तो झूठी अफवाह फैला के भीम आर्मी को बदनाम करने का बंद कीजिए। दूसरी बात, ये मीडिया ने जो ब्लैकआउट किया है, ये मीडिया वही मीडिया है जिनके लिए साहब बहुत दिन पहले कहा करते थे, मनी माफिया मीडिया। मैं बार बार दोहरा हूं, मनी से नहीं खरीद पाए, माफिया से नहीं डरा पाए, मीडिया का प्रयोग करके कभी हमारी खबर को छिपा लेते हैं, कभी कोई झूठी खबर उसको प्रमुखता देते हैं, नमक मिर्च लगा के चलाते हैं जिससे कि हमारे समाज को तोड़ सके। मैं पहले भी करता था, एक ही रास्ता बचा इनके पास, मीडिया हमारी खबरों को दबाएंगे, जो कोई एक झूठी खबर होगी उसको पूरी प्रमुखता छापेंगे। ये भविष्य में होगा भी, भीम आर्मी को रोकने के लिए, भीम आर्मी प्रमुख को रोकने के लिए बार बार ये सब चीजें की जाएंगी। आप लोगों को इनसे सावधान रहना पड़ेगा, इनकी बातों में नहीं आना पड़ेगा। मैं लाइव आके इसलिए बार बार सचेत करता हूं कि ये हमें इस तरह का काम करेंगे जिससे कि हमारी एकता टूट जाए, तो इनकी कोशिश में नहीं आना है। देखिए बिजनौर की रैली थी, उसको कामयाब ना हो, वो बहुत लोगों ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन इतना जनून था बिजनौर में, जितने लोग ग्राउंड के अंदर थे उतने लोग बाहर थे। मुझे बताया कि मैं किस तरह से वहां गया और किस तरह से बाहर आया। तो ऐसी क्रांतिकारी धाराओं को मेरा नीला सलाम, जय भीम, और जिन लोगों आयोजकों को सब लोग जय भीम, जो लोग भविष्य में भी रैलियां कर रहे हैं। मैं बहुत जल्दी झारखंड भी आ रहा हूँ, बहुत जल्दी मध्य प्रदेश भी, कई जगह जा रहा हूँ और जाता रहूँ, मैं महाराष्ट्र भी आ रहा हूँ। आप देखिए कि वो लोग जो बुला रहे हैं, वो क्या बुद्धिजीवी नहीं है, उनको समझ नहीं आ रहा है वो गलत व्यक्ति कैसे बुला सकते हैं, वो सही व्यक्ति को बुला रहे हैं ना। क्या अगर मैं ही गलत हो सकता तो वो क्या गलत है? तो वो गलत नहीं है, पूरा देश का जो नौजवान है, पूरे देश का जो बाबा साहब का समर्थक है, अम्बेडकरवादी अनुयायी है, वो गलत नहीं है, वो सही के साथ खड़ा है, वो गलत के साथ नहीं खड़ा। और मेरी लड़ाई सिर्फ इतनी है कि मैं संविधान को सुरक्षित रखना चाहता हूं, और मैं समाज में, इस देश में भागीदारी चाहता हूं, बहुजनों की पूरी भागीदारी, बहुजनों की अपनी सरकार जिसमें बहुजनों के लिए नीति हो, जिसमें बहुजनों के लिए व्यवस्थाएं हैं। आज तक हाशिए पर रही समाज को विकासशील करने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए, आर्थिक मजबूती के लिए, साहब के सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को मजबूत करने का संकल्प हो। मैं चाहता हूं नेता जब कोई बने, चाहे विधायक बने, एमपी बने, उसके पीछे एक लिस्ट हो, एक सब तैयारी हो कि भाई इतना काम आपको करना ही करना है पांच साल में। मैं चाहता हूं राजनीति में उद्देश्य हो कि इतना काम उसे करना ही पड़ेगा, और उसको क्यों बना के भेजेगा ये भी उसको पता। जिन लोगों को ये ही नहीं पता, जो लोग आज मिशन मूवमेंट के नहीं है और पार्टी हमारी पार्टी में दूसरी पार्टी से आगे चुनाव लड़ेंगे, वो कल भाग भी सकते हैं। मतलब सर लोगों को सचेत रहना पड़ेगा, मैं इसलिए जागरूक कर रहा हूं। जो मिशनरी नहीं है, जो कैडर का नहीं है, वो हमारी दूसरी पार्टी से हमारी पार्टी में आएगा, चुनाव लड़ेगा, जीत के भाग जाएगा, कैसे रोकोगे आप? कोई ऐसा रास्ता है? तो इसलिए सचेत कर रहा हूं आप लोगों को, इसलिए आप लोगों को जगा रहा हूं। माफी चाहते हुए पूरे बहुजन समाज के महापुरुषों को एक बार नमन करता हूं। मैं कह के आया, दोहरा देता हूं, बाबा परम पूज्य बाबा साहब को नमन करता हूं, तथागत गौतम बुद्ध को नमन करता हूं, सदगुरु रविदास जी महाराज को, भगवान वाल्मीकि महाराज को, ज्योति बाफुले जी को, पैरियर साहब को, बिरसा मुंडा को, गुरु नानक देव को, शहीद भगत सिंह को, शहीद उधम सिंह को, पैरियर साहब सबको नमन करता हूं। उसके साथ जहां मैं बिहार में देख के आया हूं, जननायक कपूरी ठाकुर जी हैं, बाबू जगदेव जी हैं, बाबा चोहल सिंह जी हैं, राजा सर्वेश जी हैं, तो ऐसे क्रांतिकारियों को, दशरथ मांझी जी हैं, ऐसा नाम जिन्होंने संघर्ष करके इतिहास बनाया है, दिखाया कि कितना मजबूत है बहुजन समाज, क्या कर सकता है अपनी बातों के लिए। तो मैं भी अडिगो अपनी बात के लिए, जिद है मुझे बहुजन समाज को सरकार में लाने की, जिद है मुझे बहुजन समाज के स्वतंत्र नेतृत्व को कुर्सी में बिठाने की, और जिद है मुझे उन लोगों को उतार फेंकने की जो बहुजनों के नाम पे, दलितों के नाम पे आज तक खा रहे अपना पेट भर रहे। मैं ऐसे 131 एमपीओं का, 1100 विधायकों का बहिष्कार करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि ऐसे लोगों को दोबारा सदन में ना जाने दिया जाए। तो मेरा निवेदन है, मेरी बात किसी को बुरी लगती हो, मेरा काम किसी को बुरा लगता हो, मैं सब लोगों से को संतुष्ट नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं कुछ अच्छा कर पाऊं, और इसीलिए संघर्ष कर रहा हूं, और ये प्रयास तब तक जारी रहेगा जब तक या तो मैं ना रहूं, या और तो दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा यार। जिस दिन मैं नहीं रहूंगा तब ये प्रयास हो सकता है अपने रास्ते से भटक जाए। अभी तो प्रयास बिल्कुल सीधा है, रास्ता बिल्कुल सीधा है। साहब काशीराम का सपना पूरा करना है, बाबा साहब का सपना पूरा करना है, ज्योतिबा फूले का सपना पूरा करना है, उन सबका सपना पूरा करना है जो तड़पते तड़पते हमारे बीच से चले गए रोते हुए। अब मैं प्रयास करूंगा कि कुछ ऐसा कर पाऊं कि जो उनको, उनके दिखाए हुए रास्ते पर हम लोग चल के जो है प्रयास कर पाए कि उनका जो, उन्होंने जो रास्ता दिखाया उसको सफल बना सके। जो उनको उम्मीद थी समाज से, नेतृत्व से, जो उनको उम्मीद थी कि उनका नेतृत्व ना बिकने वाला हो,
ना झुकने वाला हो ना रुकने वाला हो, वो स्वतंत्र हो ऐसा नेतृत्व पैदा करने की मेरी एक ही बीच एक और इच्छा है कि मैं अपने जैसे लाखों लोग तैयार करूं जो त्यागी हूं, जिनमें समर्पण हूं, जो अति महत्वाकांक्षी ना हो, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा, हम बाबा साहब एक शायरी के माध्यम से बता, कर सको तो अपनी वाणी में वो असर पैदा करो, कर सको अपनी वाणी में वो असर पैदा करो, रुख हवाओं का मोड़ दो वो हुनर पैदा करो, और सम्मान से जीना चाहते उस देश में मेरे साथियों तो घर घर में बाबा साहब अम्बेडकर पैदा करो। और मुझे लगता है अगर बाबा साहब नहीं पैदा कर पाते तो सावकाश राम तो पैदा किए जा सकते हैं, वो त्याग तो दिया जा सकता है। तो उन मुद्दों को अपना जो उत्पीड़न है अपने हमें उन्हें भूलना नहीं है, अपने लोगों तक लेके जाना है कि जिससे कि ये मूवमेंट चलती रहे। मेरे जैसे 1000 लोग भी अगर भीम आर्मी कुर्बान हो जाए, मेरे जैसे 1000 लोग भी अगर मूवमेंट में कुर्बान हो जाए तो कोई गम नहीं है, लेकिन मूवमेंट नहीं रुकनी चाहिए, साहब का सपना पूरा होना चाहिए। मैं चाहूंगा अब मैं आपसे अलविदा लेता हूं आज की उस लाइव के साथ, और प्रयास करूंगा जो उम्मीदें आप लोगों मुझसे, पूरे देश के लोग उम्मीद है जो मुझसे, बिहार के लोग मुझसे जो उम्मीद है, मध्य प्रदेश के लोग, राजस्थान, पूरे देश के लोग जो मुझसे उम्मीद है, मैं उन पर खरा उतरने प्रयास करूंगा, और प्रयास करूंगा किसी भी तरह से व्यक्ति जाए मूवमेंट ना जाए, क्योंकि व्यक्ति ये किसी व्यक्ति की मूवमेंट नहीं, ये विचारधारा की मूवमेंट है, ये साहब और बाबा साहब के दिखाए रास्ते की मूवमेंट है। तो प्रयास करेंगे इसमें ईमानदार खरा उतर सके। फिर किस दिन मुलाकात होगी जल्दी। जय भीम, जय भीमान।